नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ। 9 नवंबर 2019 वो ऐतिहासिक तारीख जिसके बाद से अयोध्या में सब कुछ बदल गया। अयोध्या में जो लगातार विवाद चल रहा था, राम मंदिर विवाद, योजना बनाई जा रही है राम लला के दर्शन के लिए, अब श्रद्धालु वहाँ पे एकत्रित होंगे और 9 नवंबर को इसकी परमिशन मिल गई, इजाज़त दे दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वहाँ पर भव्य मंदिर बन जाएगा। निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी कह चुके हैं कि जनवरी 2024 में आप लोगों के लिए, यानी कि पूरे देश के लिए और विश्व भर के तमाम श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे, आप दर्शन कर सकेंगे। लेकिन इस बीच दो शिलाएं ऐसी लाई जा रही है जिससे रामलला और माँ जानकी यानी कि सीता जी की मूर्त बनाई जाएगी, वो काफ़ी सुर्खियों में है। बड़े बड़े से दो शिलाएं हैं, नेपाल में पोखरा स्थित शालिग्राम जो नदी थी, काली गंडकी नदी भी कहते हैं, यहाँ से ये दोनों शिलाएं जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में लाई जा रही, ऐसा दावा किया जा रहा है इनके साथ। काफ़ी वजनी थी ये शिलाएं, इनको पहले नदियों से निकाला गया, नदी से निकालने के बाद से नेपाल से अब से सीधा अयोध्या लाया जा रहा है। उम्मीद है कि 2 फरवरी तक ये अयोध्या आ जाएगी और जिस तरह से भव्य राम मंदिर का काम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, उसके बाद अब ये मूर्ति निर्माण का भी काम चलने वाला है। दो मूर्ति, जो विशेष मूर्ति है माँ सीता की और प्रभु राम की, ये दो मूर्तियाँ इनसे बनाई जाएगी। उसके अलावा जो मूर्तियाँ बनाई जाएंगी वो मंदिर के गर्भगृह में और दूसरी जगह रखी जाएगी, लेकिन इसका फैसला जो राम मंदिर ट्रस्ट है वो लेगा। फिलहाल तो ये दोनों शिलाएं सुर्खियों में हैं। आप क्या सोचते हैं और भव्य मूर्ति के लेकर आपकी क्या राय है, किस तरह से निर्माण में ये सहायक बनेगी और कितना ये प्रेरणादायक हो सकता है सभी श्रद्धालुओं के लिए, प्रभु राम के भक्तों के लिए, कमेंट करके बताइएगा।